आप लोग में से जो बहुत से लोग मेरे वीडियो अब देख रहे हैं, उनको ये मसले का हल निकला नहीं होगा कि पूरे 6 पिक्सल कैसे आएंगे। तो ये सब सोल्यूशन मैंने खुद अपनी वीडियो के साथ में देख लिया है, कर लिया है, समझ लिया है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो कैसे आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी, आज का वीडियो कोई राइड के ऊपर नहीं रहेगा, बल्कि ये एक डिटेल वीडियो रहेगा कि हम जो यूट्यूब पे वीडियो जो अपलोड करते हैं उसके बहुत से पिक्सल गायब हो जाते हैं, बहुत से जैसे 2 पिक्सल गायब हो जाते हैं, 240 पिक्सल और 480 पिक्सल गायब हो जाता है। बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि जब वो वीडियो अपलोड कर देते हैं, वीडियो अपलोड करने के बाद जो उनको क्वालिटी मिलती है, जो उनको पिक्सल मिलते हैं उनकी वीडियो में मिलता है, जो दूसरे लोग देखते हैं, 144 मिलेगा, 360 मिलेगा, 720 मिलेगा और 1080p भी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे पिक्सल उसके 6 पिक्सल आते हैं, 144, 240, 360, 480, 720, 1080p, ये सब पिक्सल आना चाहिए। ये पिक्सल को कैसे लाना है मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मेरा खुद एक्सपीरियंस किया हुआ मतलब है फॉर्मूला, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों के साथ आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि इसको देखो सुलझाने के 3 तरीके हैं, वो तीनों तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और बात को ज़्यादा गोल गोल गोलमोल नहीं घुमाऊंगा, दो बात में बात खत्म करके आप लोगों को एक अच्छी सी डिटेल बता दूंगा मैं। तो जी, जैसे आप लोग वीडियो अपना अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने के बाद आप लोगों को सिर्फ 4 पिक्सल उसमें बताता होगा, मैक्सिमम लोग को 4 पिक्सल बताता होगा, 144, 360, 720 और 1080p। तो आपको जैसे बड़े ब्लॉगर जो रहते हैं उनको पूरे पिक्सल पूरे 6 पिक्सल आते हैं, वो आपको भी आए तो उसका तरीका देखो। सो पॉइंट नंबर 1, सॉल्यूशन उसका ऐसा है कुछ जैसे कि देखिए, अभी कोई अपनी वीडियो अपलोड कर देता है, ठीक है, समझ लो वो 1 महीना पुरानी वीडियो हो गई है, ठीक है, उसमें 4 ही पिक्सल बता रहे हैं, तो उसमें पूरे 6 के 6 पिक्सल देखो ऐसे आ सकते हैं, या तो उस वीडियो या वो वीडियो वायरल हो चुकी हो, ठीक है, या तो उसका क्या बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन, जो पब्लिक जो देखती है वीडियो, हमारा जो वीडियो देखते हैं लोग, वो टाइम ड्यूरेशन उसका ज़्यादा हो तो उस वजह से आ सकते हैं। ये मैं किसी की देखी देखा नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरी भी बहुत सी वीडियो हैं उसमें 6 पिक्सल आए हैं और बहुत सी वीडियो हैं जिसमें 4 ही पिक्सल हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने वीडियो अपलोड कर दी है उसको वैसे ही आप छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिकली 6 पिक्सल में आ जाएगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब भी, लेकिन वो आ जाएगा, ये तो पक्का है। या आपके उस वीडियो पे व्यू बहुत ज़्यादा हो गए हो तो उस वजह से भी आ जाएगा, क्योंकि मेरी जो मुंबई टू लोनावला वाली वीडियो है, जो आज से मैंने कुछ 6 महीने पहले बताया था, उसको जब मैंने शुरू शुरू में अपलोड करा था तो उसमें भी 4 पिक्सल बता रहे थे, लेकिन कल रात को ही मैंने जब चेक करा उसे तो उसमें भी 6 पिक्सल बता रहे हैं। तो ऐसा है कि कुछ टाइम मतलब हो जाता है, 2 महीना, 3 महीना जैसे टाइम हो गया तो भी पिक्सल बताएंगे, आपके व्यूज़ बढ़ गए तो भी पिक्सल वो पूरे 6 पिक्सल बताएंगे, या तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन है, पब्लिक आपके वीडियो बहुत देख रही है, मतलब 5 मिनट का मैक्सिमम समझ लो, 5 मिनट के बाद 5 मिनट तक आपका वीडियो देख रही है तो भी मतलब वो पिक्सल आपको शो हो जाएंगे, ऐसा है। सो पॉइंट नंबर 2, इसका सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन क्या है, देखिए, बहुत से लोग जैसे अपना वीडियो 1080p 60 fps पे शूट करते हैं, ठीक है, और उसको जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो भी 1080p 60 fps पे मतलब एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं उस वीडियो को एडिट वगैरह करके, ठीक है, तो उसको जब अपलोड करते हैं ना तो उसमें भी 4 ही पिक्सल बताता है। तो उसका क्या है कि जब आप अपना 1080p 60 fps पे जो वीडियो शूट करें आप लोग, उसको जब एडिट करके आप जब एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो उसको 4K 60 fps पे आप एक्सपोर्ट कीजिए अपने मोबाइल में, मतलब अपने मोबाइल में एक्सपोर्ट करके सेव कीजिए, एडिट करके सेव कीजिए, ऐसा तो भी आपको पूरे 6 पिक्सल इकट्ठा बता देंगे। जब आप अपलोड कर देंगे, पूरा प्रोसेसिंग हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली पूरे 6 पिक्सल 1080p 720 480 360 240 144 पिक्सल पूरे पिक्सल आपको बता देंगे, अगर आप 1080p 60 fps पे शूट करते हैं और 4K, हाँ 1080p 60 fps पे आप शूट करते हैं और 4K में आप अपने मोबाइल में एक्सपोर्ट करते हैं, तब भी आपको पूरा पिक्सल उसमें शो हो जाएगा, ये पॉसिबल है, ये बहुत से लोग ये करते भी हैं।
सो पॉइंट नंबर थ्री ऐसा है, इसका सॉल्यूशन देखिए, अगर आपके पास जैसे हाईफाई कैमरा है, जैसे गोप्रो हो गया या कैनन का हो गया या सोनी का हो गया, आप उससे 4K 60 FPS पे शूट कीजिए, एडिट कीजिए, और उसी को आप 4K 60 FPS में अपने फ़ोन में भी एक्सपोर्ट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, ठीक है। फिर जो आप वो वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो वो समझ लीजिए आपको पूरे 6 के 6 पूरे पिक्सल देगी, समझे, ऐसा है, पूरे 6 के 6 आपको पिक्सल वो दे देगी। देखो तीन सॉल्यूशन मैंने आपको पूरे बता दिए इसके, ठीक है। या तो जो वीडियो आपने अपलोड कर दी उसको वैसे ही छोड़ दो, ऑटोमेटिकली पूरे 6 पिक्सल उसमें आ जाएंगे जब उसमें व्यूज बढ़ जाएंगे तब, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, 1080p 60 FPS पे आप शूट कीजिए, उसको 4K में अपने फ़ोन में एक्सपोर्ट कर लीजिए, तो भी आपको पूरे 6 पिक्सल बताएंगे, ठीक। और 4K 60 FPS पे आप शूट करेंगे और एडिटिंग करने के बाद 4K 60 FPS पे अपने फ़ोन में भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो भी आपको पूरे 6 पिक्सल बताएंगे 100% गारंटी के साथ। तो आप लोग को ये जो मैंने तीनों सोल्यूशन बताए हैं, तो ये सब सोल्यूशन मैंने खुद अपनी वीडियो के साथ में देख लिया है, कर लिया है, समझ लिया है, तो ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैं कोई हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, इसको मैंने पूरा 100% एक्सपीरियंस करने के बाद ही आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन है जो आप अपने वीडियो के साथ में कर सकते हैं उसकी पूरी पिक्सल आने के लिए, समझे, ऐसा है। आप लोग में से जो बहुत से लोग मेरा वीडियो अब देख रहे हैं, उनको ये मसले का हल निकला नहीं होगा कि पूरे 6 पिक्सल कैसे आएंगे, तो मैंने जो आपको तीनों सोल्यूशन बता दिया वो आप ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। और आप अगर मेरा ओपिनियन पूछते हैं तो आप 1080p 60 FPS में वीडियो अपना शूट कीजिए, ठीक है, और 4K 60 FPS में अपने फ़ोन में एक्सपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसको आप YouTube के ऐप से आप अपलोड कर दीजिए, 110% आपको पूरे 6 के 6 पिक्सल आएंगे ही आएंगे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, जो मैंने आपको मतलब सॉल्यूशन बताया है उसका यूज़ करके एक्सपीरियंस आप लोग का कैसा रहा है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और कुछ बात और कुछ पॉइंट रह गया होगा तो आप लोग मुझे उसमें कमेंट करके बता दीजिए, या आप लोग के पास भी कुछ ऐसा सॉल्यूशन है इसके अलावा, कुछ ऐसा सॉल्यूशन है जिससे पूरे 6 पिक्सल आ जाएं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और मेरे एक्सपीरियंस या मेरे सॉल्यूशन देने के बाद आप लोग ने उसको यूज़ करा, आप लोग को कैसे रिजल्ट मिला, वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा आप लोग को, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दें। मिलता हूं आप लोग से दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन दी अनदर वीडियो, ओके, टाटा बाय बाय। तो जैसे कि मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि आप 1080p 60 fps पे शूट कीजिए और 4K 60 fps पे एक्सपोर्ट करने के बाद उसी को अपलोड कर दीजिए, तो मैंने मतलब बहुत से वीडियो देखे उसमें लोग बोले कि पिक्सल फट जाते हैं या वीडियो मतलब क्वालिटी थोड़ा गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो देखिए मतलब ये ऐसा अपने को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, प्रैक्टिकली अपने को समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत उसको ऐसे ध्यान से एकदम गौर से देखेंगे ना तो वो अपने को समझ में आने वाले, ठीक है। एकदम जो एकदम प्रोफेशनल लोग जो रहते हैं उन लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ ये 1080p 60 fps का वीडियो है जो 4K में एक्सपोर्ट किया गया है, इसलिए ऐसा ये फट जैसा गया है, ठीक है। वो आपके या मेरे बस की बात नहीं है कि आप उसको समझ सको या मैं उसको समझ सकूँ, ऐसा।